गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वीडियो में उसका हेडिंग है सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी इज़ योर फर्स्ट हेड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो फिफ्थ हेड, फाइव हेड्स में से जो सबसे फर्स्ट हेड हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। तो जो आज मेरा ये जो फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम बेसिकली पहले हम सैलरी समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन, देन अलाउंसेस। ओके, तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सैलरी से। इनकम फ्रॉम सैलरी इज़ द फर्स्ट हेड ऑफ इनकम। देन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सैलरी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सैलरी के जो मेन कंसेप्ट है या सैलरी के कंप्यूटेशन को आसानी से समझ सकते हैं। और जो आप देखते हैं कहीं कहीं जो कॉन्ट्रडिक्टरी है वो क्यों है, उसके रीज़न भी आज आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है, दैट इज़ सैलरी। तो सैलरी चाहे आप गवर्नमेंट से लें, चाहे नॉन गवर्नमेंट से लें, चाहे हायर पोस्ट के लिए लें, चाहे लोअर पोस्ट के लिए, जो भी वट एवर इज रेम्यूनरेशन इज गेटिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर इज़ नोन एज अ सैलरी। ओके, सेकेंड पॉइंट इज़ योर हु इज़ योर एम्प्लॉयर, या हम एम्प्लॉयर की कैटेगरी में किस किस को रख सकते हैं। तो एम्प्लॉयर मे बी इंडिविजुअल, मे बी फर्म, कंपनी और एनी इंस्टीट्यूशन, ये इनमें से कोई भी मतलब जो है वो एम्प्लॉयर हो सकता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर का जो रेंज है वो बहुत ही, या जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। ओके, नेक्स्ट इज़ मोर देन वन एम्प्लॉयर। क्या किसी एम्प्लॉयी का, जिसका हम असेसमेंट करने बैठ रहे हैं, क्या उसके मोर देन वन एम्प्लॉयर हो सकते हैं? येस। उस केस में हम क्या करेंगे, यदि वो दो जगह काम कर रहा है तो दोनों जगह की सैलरी, बोनस, कमीशन, जो जो कुछ उसको मिल रहा है वो सब कुछ ऐड होगा और फिर वो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में जाएगा। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन में ऐसा है तो आपको घबराना नहीं है और ये नहीं सोचना है कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो मोर देन वन एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर सैलरी। सैलरी का जो, सैलरी जो वर्ड है या जो सैलरी की कवरेज एरिया है वो बहुत ही वास्ट है। इसमें तो ड्यू, यदि सैलरी ड्यू भी हो गई है, एक्रुअल बेस पे यदि हम कर रहे हैं, तो वो भी यदि इस असेसमेंट ईयर की थी तो हमने यदि उसको ले लिया, एक सॉरी इस फाइनेंशियल, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की थी तो यदि हमने उसे ले लिया है, तो वो इस मार इस मतलब इसमें ले लिया है फाइनेंशियल ईयर में, तो अगली बार नहीं लिया जाएगा। तो ड्यू सैलरी को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। एडवांस सैलरी यदि हमें इसी फाइनेंशियल ईयर में कोई एडवांस सैलरी मिल रही है और उसे हमने इस बार कंसिडर कर लिया, तो हम अगली बार उसे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इनकम कोई भी एक इसमें आएगी, कोई भी एक ईयर में आएगी। और अरियर सैलरी, यदि कोई सैलरी ड्यू थी लेकिन नहीं मिली और यदि उसे हम अभी काउंट कर रहे हैं, तो फिर अगली बार वो काउंट नहीं होगी, ये ध्यान रखें। मतलब जब रिसीव होगी तब काउंट नहीं होगी, यदि अरियर सैलरी में इस फाइनेंशियल ईयर में काउंट हो रही। तो सैलरी में उनका बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है, तो वो ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं सैलरी में। ओके, नेक्स्ट इज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती हैं, वो ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए सैलरी के केस में। अब देखिए, मैंने आपको जब अदर सोर्स कराया था तब मैंने कहा था डायरेक्टर फी इज़ अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक, क्यों? क्योंकि डायरेक्टर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता है, इसलिए डायरेक्टर फी जो होती है वो अदर सोर्स का पार्ट होती है, सैलरी का पार्ट नहीं होती है। क्लियर? या आपको तब इसलिए नहीं बताया, या तब आपको बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि सैलरी में इसकी कवरेज होने वाली थी। ठीक है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए तो ही हम उसे सैलरी में कंसिडर करते हैं। और इसी का एक्सेप्शन क्या है कि डायरेक्टर फीस में, जिसमें कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता है, तो उसे हम अदर सोर्स में लेते हैं। और दूसरी चीज़ जो इसमें रहती है कि नेक्स्ट इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैलरी। जो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं उनकी सैलरी भी सैलरी हेड में नहीं आती। क्यों नहीं आती? ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, उनके पास में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उनकी सैलरी भी कहाँ जाती है? अदर सोर्स में चली जाती है। ठीक है, ये दो इसके एक्सेप्शंस हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये दोनों अदर सोर्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी भी अदर, पार्टनर सैलरी भी सैलरी में नहीं आती, बल्कि इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस एंड प्रोफेशन जो हेड था उसका पार्ट होती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच, उनकी जो ये जो है वो बिजनेस में चली जाती है, इसलिए वो सैलरी में नहीं आती, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद, और ये आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं, फिर पेंशन पे ध्यान दीजिए। पेंशन इज़ अ पार्ट ऑफ, पेंशन इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ सैलरी, लेकिन जब पार्ट ऑफ सैलरी में तब आती है पेंशन, जब वो किसको मिलती है? एम्प्लॉई को मिलती है। मतलब एम्प्लॉई ने पूरा जॉब किया, उसके बाद एम्प्लॉई रिटायर हुआ, तब एम्प्लॉई को पेंशन मिलने लगी।
यदि एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है तो इज अ पार्ट ऑफ सैलरी, क्योंकि अभी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन ही चल रहा है। लेकिन जब हम फैमिली पेंशन पे आते हैं तो फैमिली पेंशन मैंने आपको कहाँ कवर किया है, अदर सोर्स में कवर किया है। क्यों अदर सोर्स में कवर कर लिया इसको, अभी तक पेंशन जो है वो सैलरी में चल रही थी, अब फैमिली पेंशन में आए तो अदर सोर्स में चले गए। ऐसा क्यों? क्योंकि फैमिली पेंशन तब क्रिएट होती है जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाए, तब उसकी फैमिली को मिलती है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन ख़त्म हो जाता है, इसलिए जो फैमिली पेंशन है वो कहाँ का पार्ट हो जाती है, अदर सोर्स। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं पेमेंट ऑफ सैलरी। पेमेंट ऑफ सैलरी के केस में हमें दोनों के रूल्स अलग अलग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के। ये सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ, कई बार जब वो ग्रेड पे दे देते हैं और साथ में बोल देते हैं कि इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अ प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको सैलरी कैसे मिलेगी, सैलरी ऑन द फर्स्ट सक्सेसिव मंथ। मतलब मान लीजिए जनवरी की जो सैलरी है वो फरवरी के फर्स्ट को, मतलब फर्स्ट डेट ऑफ फरवरी को मिलेगी, मतलब अगले महीने मिलेगी यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। मतलब पूरी जनवरी उसने काम किया लेकिन सैलरी मिलेगी उसको फर्स्ट फेब को। लेकिन यदि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरी जनवरी उसने काम किया और उसको सैलरी उसी मंथ के एंड में मिल गई, जनवरी की सैलरी जनवरी में ही मिल गई, मगर गवर्नमेंट है तो जनवरी की सैलरी फेब में मिलेगी। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है गवर्नमेंट के केस में क्या है और नॉन गवर्नमेंट के केस में क्या है। अब ये तो हमने बेसिक ऑफ सैलरी के जो ध्यान रखने वाली चीज़ें थी वो कंसिडर कर ली। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट आता है मीनिंग ऑफ सैलरी। ये सेक्शन 17 में डिफाइन करी है, इसी से हमको समझ में आ जाता है कि जब हम सैलरी का कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है। सबसे पहला तो वेजेस भी इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी, पेंशन ऑल्सो पार्ट ऑफ सैलरी, बोनस कमीशन मिल रहा है तो वो भी इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब उसे भी कंप्यूटेशन में ऐड करना है। ग्रेजुटी मिल रही है तो वो भी, एडवांस सैलरी है तो वो भी, लीव इन कैशमेंट मतलब आपने छुट्टी वाले दिन भी आके काम किया, दैट इज़ लीव इन कैशमेंट। अलाउंसेस, परक्यूसिट्स यानी ऑल फैसिलिटीज़। अलाउंसेस में अभी आपको इन दोनों को डिटेल में लेंगे हम, अभी आप सिर्फ नाम सुन लीजिए। अलाउंसेस एंड परक्यूसिट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, मतलब यदि हमें ये मिल रहा है तो उसका कुछ टैक्सेबल पार्ट जितना भी होगा या जितना भी वैल्यूएशन होगा परक्यूसिट्स का, वो भी हमारी सैलरी कंप्यूटेशन में ऐड होगा। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, जितना भी एक्सेस अमाउंट होगा एम्प्लॉयज़ का टैक्स फ्री लिमिट से ज़्यादा, वो अमाउंट जो है वो भी सैलरी में ऐड होगा। देन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय पेंशन अकाउंट रेफर्ड इन ATCCD में जो रेफरेंस दिए गए हैं, यदि उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के पेंशन फंड में पैसा डालता है तो वो भी ऐड होगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जब हम ऐड करते हैं उसके बाद जो हमारा आंसर आता है उसे हम कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी या मीनिंग ऑफ सैलरी या डेफिनेशन ऑफ सैलरी सेक्शन 17। ठीक है, अब जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैंने अभी आपको बोला अलाउंसेस और परक्यूसिट्स हम लेंगे, तो अब मैं ले रही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ अलाउंस, जिसमें आप लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें अलाउंस को समझ लेना चाहिए कि अलाउंस क्या चीज़ है, राइट। तो अलाउंस होता क्या है बेटा? अलाउंस वो चीज़ है जो कि आपको सैलरी में अलग से मिलती है ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को क्या कर सकें, ईजीली आराम से क्या कर सके, कर सके, मतलब उनको पूरा कर सके। ठीक है, तो अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस आर फिक्स्ड अमाउंट अपार्ट फ्रॉम सैलरी। अलाउंसेस के का केस में क्या लिख सकते हैं? इज अ फिक्स्ड अमाउंट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, ठीक है ना। एंड पेड बाय द, कौन पे करता है इसे? पेड बाय द एम्प्लॉयर, किसको पे करता है? एम्प्लॉई को। तो अलाउंसेस क्या है? फिक्स्ड अमाउंट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, सैलरी के अलावा जो आपको फिक्स अमाउंट मिलता है उसे हम अलाउंसेस कहते हैं। और ये कौन देता है? ये एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉई को, ठीक है। इसलिए अलाउंसेस को हम क्या करते हैं? अपनी सैलरी कंप्यूटेशन में ऐड करते हैं। अब हम ध्यान दें, हमने अलाउंसेस के तीन कैटेगरी बनाई है, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल और टैक्स फ्री अलाउंसेस।
फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल और टैक्स फ्री। तो फुल्ली टैक्सेबल जो हुए इसका मतलब है कि वो जितना भी अमाउंट मिल रहा है पूरा का पूरा टैक्सेबल है और पूरा का पूरा सैलरी के कंप्यूटेशन में ऐड हो जाने वाला है। पार्टली टैक्सेबल जब हम बोलते हैं इसका मतलब है यहाँ पे कोई रूल है, कोई लिमिट है, उतना पार्ट टैक्स फ्री है, बचा हुआ पार्ट टैक्सेबल है, क्योंकि पार्टली वर्ड यूज़ हो रहा है। और टैक्स फ्री का मतलब है जो भी मिल रहा है वो सैलरी में ऐड नहीं हो रहा है। तो ये पार्ट हमारे पास सबसे कम है और ये दोनों पार्ट हमारे पास ज़्यादा है। जरा बाइफर्केशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने लिया है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। सबसे पहला होता है उसमें आपका डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस क्या होता है? डीएनएस अलाउंस होता है जो आपका इन्फ्लेशन होता है कंट्री का, उसमें आप उसके बाद भी आप सर्वाइव कर सकें उसके लिए आपको सेपरेट अमाउंट गिवन होता है, दैट इज़ नोन एज अ डीए। डीए वर्ड ज़्यादा आप लोगों ने सुन रखा है, उसका फुल फॉर्म होता है डीएनएस अलाउंस, ठीक है। लिखा भी है मैंने कोविड इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन हमारी जो महंगाई बढ़ रही है इसीलिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, महंगाई भत्ता, कि महंगाई जो बढ़ रही है उसमें भी आप सर्वाइव कर सके उसके लिए आपको सैलरी के अलावा अलग से ये प्रोवाइडेड होता है, दैट इज़ नोन एज अ डीए। सेकेंड वन इज़ योर ईए। सो योर एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है वो होता है आपका फॉर हॉस्पिटैलिटी। मतलब आपके कस्टमर आया तो आपको उसको चाय कॉफ़ी व्हाटएवर जो भी आपने दिया उसका रिइंबर्समेंट होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। और ये जितना भी मिलता है ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, कोई भी इसमें लिमिट नहीं है, आपको जितना भी क्वेश्चन में लिखा है। और एक चीज़ और बता दूँ, जितना एंटरटेनमेंट लिखा है वो पूरा टैक्सेबल है। यदि ब्रैकेट में वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसको 600 रुपीज़ पर मंथ एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि उसने मान लीजिए 500 रुपीज़ अपने कस्टमर पे खर्च किया, इससे हमें कोई मतलब नहीं कि उसने कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है, उसको कितना मिल रहा है एज एंटरटेनमेंट अलाउंस। वो जो भी रिसीव कर रहा है वो पूरा टैक्सेबल है, ओके। वो कितना खर्च कर रहा है वो लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है, कितना मिल रहा है वो पूरा टैक्सेबल है। सेकेंड है आपका सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। ये जो अर्बन सिटीज़ या अर्बन एरियाज़ में जब पोस्टिंग होती है तो सीसीए मिलता है, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, क्योंकि हर जगह के रहने के लिए कुछ आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जाते हैं तो इसके लिए आपको ये अलग से दिया जाता है। देन प्रोजेक्ट अलाउंस, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है यदि मिल रहा है तो। टिफ़िन या जिसे हम मील अलाउंस भी कह सकते हैं, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। सर्वेंट अलाउंस, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। वार्डन अलाउंस, प्रॉक्टर अलाउंस, वार्डन यू नो वेरी वेल है ना, वार्डन एंड प्रॉक्टर अलाउंस पूरा पूरा ही टैक्सेबल है। देन ओवर टाइम अलाउंस, ये भी आप समझते हैं जो हम अपने शेड्यूल टाइम से ज़्यादा काम करते हैं, दैट इज़ ओवर टाइम अलाउंस, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल है फॉर अ नॉर्मल पर्सन, फॉर अ नॉर्मल एसएससी, राइट। बट इन केस यदि हमारा जो एसएससी है वो ड्राइवर है किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी वगैरह में, तो उस केस में 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस विल बी टैक्स फ्री, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल एसएससी के लिए तो फुल्ली टैक्सेबल है ये, लेकिन यदि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी में ही लगा हुआ है एज अ ड्राइवर है या उसमें कहीं कोई काम कर रहा है तो उस केस में गाड़ी को ला ले जा रहा है तो उस केस में 70% ऑफ अलाउंस जो है या 10,000 विच एवर इज लेस विल बी टैक्स फ्री। ये तो हो गया हमारा फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस का पार्ट। ना पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस थोड़े ज़्यादा इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाते हैं क्योंकि इन सब में कुछ ना कुछ लिमिट है, और यदि वो लिमिट याद है तब तो क्वेश्चन सही है, और यदि क्वेश्चन आपने यदि लिमिट याद नहीं है तो आप क्वेश्चन रॉन्ग करके आएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है एचआरए, इसको तो बेटा अलग से डिटेल में मैंने लिया है, अभी सिर्फ नाम देख लीजिए कि एचआरए जो है वो पार्टली टैक्सेबल का पार्ट है। ट्राइबल अलाउंस के केस में यदि आपकी ट्राइबल एरिया में पोस्टिंग होती है तो आपको अलग से ट्राइबल अलाउंस मिलता है, 200 रुपीज़ पर मंथ जो है वो टैक्स फ्री होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 500 रुपीज़ ट्राइबल अलाउंस पर मंथ मिल रहा है तो उस 500 में से माइनस 200 करेंगे तो बच्चा कितना बेटा, 500 माइनस 200 किया तो 300 रुपीज़ पर मंथ इज़ टैक्सेबल, और ईयरली निकालना होगा तो 300 इंटू 12 किया तो 3600 इज़ योर टैक्सेबल पार्ट ऑफ ट्राइबल अलाउंस, ओके। उसके बाद हॉस्टल अलाउंस, तो ये 300 रुपीज़ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन है। ये बच्चों से रिलेटेड जितने भी हमारे अलाउंसेज हैं जिसमें जो भी लिमिट है वो पर चाइल्ड डी होती है, लेकिन इसे 2 चिल्ड्रन तक एप्लीकेबल है। यदि आपके 3 बच्चे हैं तो 3rd बच्चे के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो हॉस्टल अलाउंस 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, ये कितना है, टैक्स फ्री है। दिस इज़ योर
टैक्स फ्री अमाउंट. ओके, देन एजुकेशन अलाउंस 100 rupees पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 children इज टैक्स फ्री. मतलब यदि एक बच्चे का आप 300 rupees आपको रिसीव हो रहा है तो उसमें से 100 rupees लेस हो जाएगा ओनली बिकॉज ऑफ टैक्स फ्री अमाउंट, और 200 जो है वो टैक्सेबल होगी और आपकी सैलरी में ऐड हो जाएंगे बिकॉज ऑल अलाउंसेस का जो टैक्सेबल पार्ट है इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी. फिर ट्रैवल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस में यदि हम ऑफिशियल पर्पज़ के लिए करते हैं ट्रैवल तो फ्री है, यदि पर्सनल करते हैं तो टैक्सेबल है. एक क्वेश्चन है उसमें उसने बोला हुआ है कि वो 6 days के उस पर था, उसमें से 4 days उसने ऑफिशियल वर्क किया और 2 days उसने पर्सनल किया, तो वो जो 2 days वाला पार्ट है जो पर्सनल है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा. फिर हिली एरिया और बॉर्डर एरिया में यदि आपकी पोस्टिंग होती है, अब हिली एरिया और बॉर्डर एरिया मैंने इसलिए नहीं लिखा है बेटा क्योंकि इन सबका एरिया वाइज मतलब जहाँ आपकी पोस्टिंग हो रही है उसके हिसाब से आपका टैक्स फ्री अमाउंट जो है वो जनरेट होता है. ठीक है, तो ये अपन ध्यान रखेंगे कि इसमें लिमिट है और इसलिए इसे हमें ध्यान रखना है. जो हमारे टैक्स फ्री अलाउंसेज है उसमें सबसे पहला हमारा फॉरेन अलाउंस है. यदि हमारा कोई एम्प्लॉई यहाँ फॉरेन में और वहाँ से उसको कोई अलाउंस मिल रहा है तो वो फ्री रहेगा, और अलाउंस बाय UNO से यदि कुछ अलाउंस पेड होता है तो वो भी फ्री होता है. ठीक है, अब हम सबसे ज़्यादा डिटेल में देखेंगे किसे, HRA को, जो कि मोस्टली क्वेश्चंस में आता ही है. तो कैलकुलेशन ऑफ HRA, द फुल फॉर्म ऑफ HRA इज हाउस रेंट अलाउंस. ओके, अच्छा, अब हाउस रेंट अलाउंस का जो रूल है वो क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा रूल, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल. अब मैंने आपको ये इसको पार्टली में बताया है ना, मैंने इसको कहाँ लिखा था, पार्टली में, मतलब इसका कुछ पार्ट जो है वो टैक्स फ्री है, कुछ पार्ट जो है वो टैक्सेबल है. तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्ट टैक्स फ्री और कौन सा टैक्सेबल है, उसके लिए ये रूल है. रूल से क्या होता है, यहाँ पर जो अमाउंट निकलता है दैट इज़ योर टैक्स फ्री अमाउंट, और नीचे जो अमाउंट निकलता है दैट इज़ योर टैक्सेबल अमाउंट. तो ये टैक्सेबल क्या होगा, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी में जाके ऐड हो जाएगा, और ये टैक्स फ्री निकालना आपका टारगेट है कि कितना मेरे को माइनस करना है कि मेरा टैक्सेबल पार्ट आ जाए. ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होता है, एक्चुअल रिसीव्ड HRA, एक्चुअल रिसीव्ड हाउस रेंट अलाउंस जो क्वेश्चन में गिवन होता है हमेशा उसको हम यहाँ लिख देते हैं. यदि वो पर मंथ होता है तो हम उसको इंटू 12 करके ईयरली ले आएंगे. क्यों, क्योंकि हम पूरी साल भर की सैलरी निकाल रहे हैं उसकी, राइट. तो ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है, इसमें से ही हमको क्या करना है, टैक्स फ्री को माइनस करके टैक्सेबल पार्ट निकालना है. ठीक, तो ये हमने सबसे पहले लिख दिया. अब हमने देखे 3 points लिखे A, B, C, और इन तीनों पॉइंट के जो आंसर है उनको मैंने वही नाम दिया है. ए से जो भी अमाउंट आ रहा है उसे ए नाम दिया है, बी से जो अमाउंट आ रहा है उसे बी दिया है, सी से जो अमाउंट आ रहा है उसे सी दिया है. ए बी सी में से विच एवर इज लेस इज टैक्स फ्री, इन तीनों में से जो सबसे छोटा अमाउंट होगा वो टैक्स फ्री होगा, और उसे इस रिसीव्ड अमाउंट में से माइनस करेंगे तो टैक्सेबल HRA आ जाएगा. ठीक है, अभी ए बी सी निकालना कैसे, ए कहता है सेम लाइन एक्चुअल रिसीव्ड HRA, वही जो ऊपर लिखी है उसे ही ले लेना है, जो HRA मिल रहा है वही हमारा ए पॉइंट है. बी पॉइंट कहता है एक्चुअल पेड रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, मतलब जो आप रेंट पे कर रहे हैं उस घर के लिए जिस घर में आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं और आपकी सैलरी का 10%, इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस होगा वो आपका बी बनेगा, अमाउंट बनेगा. ठीक है, फिर 40% और 50% ऑफ सैलरी, अब और लगाएं, मतलब कौन सा लगाना है, तो 40 फॉर नॉन मेट्रो, ठीक है, एंड 50 फॉर मेट्रो सिटीज़ ऑफ सैलरी, क्योंकि ऑब्वियसली मेट्रो सिटीज़ में वो जो रेंट होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए मेट्रो का 50 लिया है, नॉन मेट्रो का 40 लिया है. तो जो हमारा, अब यहाँ पे देखिए बार बार ये वर्ड सैलरी मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी बताती हूँ उसका क्या मतलब है. तो यहाँ ये जो अमाउंट था उसका 40 या 50% लिया तो सी अमाउंट क्रिएट हो गया. अब हमारे पास 3 amounts हो गए, एक्चुअल रिसीव्ड HRA, एक्चुअल पेड, और इन दोनों का डिफरेंस इज बी अमाउंट, 40 या 50% ऑफ सैलरी का सी अमाउंट. इन तीन अमाउंट को हम कंपेयर करेंगे, इन तीनों में से जो अमाउंट सबसे छोटा होगा वो हमारा बन जाएगा टैक्स फ्री HRA, और इसे रिसीव में से टैक्स फ्री को माइनस करेंगे तो आ जाएगा टैक्सेबल HRA, जिसे हम कहाँ इंक्लूड करेंगे, सैलरी कंप्यूटेशन में. अब मैंने आपसे कहा ये सैलरी का मतलब, ये सैलरी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग ऑफ सैलरी कहते हैं. इस मीनिंग ऑफ सैलरी में हम 3 things ऐड करते हैं, और ये जो भी हमारा अमाउंट आता है इसका, इस अमाउंट का ही 10% आपको लेना है,
इस अमाउंट का ही 40% या 50% आपको लेना है। तो सैलरी में क्या क्या ऐड होना है, बेसिक सैलरी जो कि क्वेश्चन में गिवन है, यदि पर मंथ गिवन है तो x12 कर लेंगे। फिर DA अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट या रिटायरमेंट बेनिफिट, ऐसा कुछ वर्ड होना चाहिए। तो जितना भी पार्ट लिया होगा उतना ही हम ले लेंगे। जितना पार्ट दिया होगा उससे मतलब है कि यदि फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि 10% या 50% या 40% ऑफ द अमाउंट, तो उतना ही हम ले लेंगे। कमीशन ऑन सेल्स दिया होगा तो ही लेंगे, फिक्स कमीशन होगा तो नहीं लेंगे। अब हमने क्या किया, इन तीनों अमाउंट को लिखा और उसके बाद जो हमारा टोटल आया, दैट इज़ योर टोटल ऑफ या सैलरी आ गया। इसी अमाउंट का हमको क्या लेना है, 10%, इसी अमाउंट का 40 या 50%। ये सॉल्व हो गया, ठीक है, हमारा निकल आया टैक्सेबल HRA और टैक्स फ्री HRA, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो ध्यान रखनी है वो क्या, कई बार क्या होता है बेटा, क्वेश्चन हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारा दिया है, HRA से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी, एक्चुअल पेड रेंट भी दे रहा होगा वो, है ना, वो ये भी बता रहा होगा कि उसको HRA मिलता है इतना इतना अमाउंट, लेकिन साथ में एक लाइन कह रहा होगा क्या कि इफ़ द टैक्स पेयर इज स्टेइंग इन हिज और हर ओन हाउस द एंटायर HRA इज टैक्सेबल। मतलब यदि हमारा SSC जिसका हम टैक्स कैलकुलेट करने बैठे हैं, वो SSC यदि अपने खुद के घर में रहता है और उसे HRA भी मिलता है, उस केस में उसका HRA जो है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। ये सब करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों नहीं है रिक्वायरमेंट, HRA क्यों मिला आपको, आपको HRA कंपनी दे रही है कि आपके ऊपर रेंट का बर्डन कम से कम हो। अपन ने स्टार्टिंग में अलाउंस को लेके क्या लाइन लिखी है, अलाउंस को लेके मैंने आपसे कहा फिक्स्ड अमाउंट अपार्ट फ्रॉम सैलरी विच इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, है ना, एक अलग से आपको पैसा दिया जा रहा है, कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को, ताकि आप अपने ये एक्सपेंसेस आराम से दे सकें। जब आप अपने खुद के घर में रहते हैं तो क्या आपको कहीं पर रेंट देने की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं। जब आपको रेंट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है तो वो जितना भी HRA के फॉर्म में आपको पैसा मिल रहा है वो कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा है, वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, आपकी अर्निंग है, इसलिए वो पूरा HRA क्या है, टैक्सेबल है। क्लियर है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। कई बार क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और कहीं नीचे एक लाइन लिखी होती है कि वो अपने खुद के घर में रहता है, तो ये सारे कैलकुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ना हमको मीनिंग ऑफ सैलरी निकालना है, ना हमें ये रूल निकालना है, ना हमें टैक्स फ्री अमाउंट निकालना है। हमें तो क्या करना है, जो भी HRA मिल रहा है वो पूरा उसकी सैलरी में जोड़ देना है और काम ख़त्म कर देना है। ओके, थैंक यू बेटा।